जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कि एक डायलिसिस की किट को कैसे प्राइम करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था कि डायलिसिस की किट को कैसे हैंग करते हैं, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो पे जो है ना हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि डायलिसिस की किट को प्राइम कैसे करते हैं मशीन पे। तो इसका तो आपको पता ही होगा, आईवी सेट है ये, इसको हम सेलाइन के साथ अटैच करते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं आर्टीरियल वाली साइड पे। और क्लैंप ओपन कर देते हैं सिलाइन का। अब ये हमारी मशीन पे है, प्राइम का ऑप्शन है इधर मशीन पे, एक बटन होता है प्राइम का, इसको प्राइम को प्रेस करके पंप को ऑन कर देते हैं। अब ये जो नॉर्मल सिलाइन है सारी जो है ना वो सर्कुलेट करेगी पूरे सेट में, पूरे सेट में से गुजरेगी नॉर्मल सिलाइन। पंप की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। ये आर्टीरियल चैम्बर है, इसको हम फिल करते हैं। अगर हम इसको फिल नहीं करेंगे तो एयर चली जाएगी, सारा सेट एयर से जो है ना वो भर जाएगा। क्लैंप्स अच्छी तरह देख लेने हैं, कोई क्लैंप्स वगैरह ओपन ना हो। उसके बाद डिलाइजर के साथ अटैच की हुई किट जो है वो बिल्कुल टाइट हो, अगर लूज होगी तो यहाँ से भी ब्लड जो है ना वो वेस्ट हो सकता है। अब हमारी सेलाइन जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं आर्टीरियल वाली साइड जो है वो फिल हो चुकी है। अब ये डिलाइजर को फिल करेगी, उसके बाद ये वीनस साइड की तरफ आएगी और वीनस साइड को फिल करेगी और हमारा सेट जो है वो प्राइम हो जाएगा। ले जी, डिलाइजर फिल हो गया है, अब वीनस वाली साइड की तरफ आ रही है। अब वीनस चैम्बर को हम सीधा कर देते हैं। नहीं जी, सारी सर्कुलेट कर गई है इस लाइन, इसको सर्कुलेशन पे डाल देंगे सेट को और पंप को ऑन कर देंगे। अब हमने बबल्स वगैरह निकालने हैं इसमें से, एयर बबल्स रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये फिर वीनस चैम्बर में आके फंस जाते हैं और एयर डिटेक्टर का अलार्म देने लग जाती है मशीन। हम इसको शेक करेंगे और फिर हम डिलाइजर को सीधा कर देंगे, सेट को सर्कुलेशन पे डाल देंगे और ये पेशेंट के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम वीनस चैम्बर को वीनस मॉड्यूल में ऐड करेंगे, अटैच करेंगे और उसके साथ ब्लू बैरियर लगा देंगे। अब हमने सेट के साथ कपलर्स को अटैच कर देना है, एक से डायलिसिस फ्लो आता है और एक से जो है ना वो ड्रेन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ड्रेन होता है। ये मशीन हमारी स्टैंड बाय पे आ चुकी है और नेक्स्ट हम इस पे वीडियो बनाएंगे पेशेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।